गौशाला खल बन गया, मतलब आपकी एंट्री हो गई एज अ बुल, अगर हम कह सकते, क्योंकि हमने आपको चिड़ियाघर नहीं, देखा पूरा वो जंगल बन गया। अभी कमी थी सांप मक्खी सब थे, अभी भैंसा घर में आ गया फिलहाल। तो हाँ ये स्टोरी, अभी अभी तक मैं भैंसे के रूप में था, इंसान के रूप में उनके घर में एंटर कर गया हूँ तो ये आज। भैंसा किस तरीके से एक ट्विस्ट लाने वाला है इस पूरे शो में? ट्विस्ट तो पहली पहला सीन जो शूट हुआ उसने आपने देखा होगा, सब शॉक हैं एकदम, ये क्या हो गया, ये कैसे घर में आ गया, आगे का मुझे भी नहीं पता। ओके, आपने वैसे अपने थॉर्न्स में वो भी जो आपके जो हॉर्न्स थे उसमें आप नागमणि ले वही वही रहे हैं वही जिसके? नागमणी मेरे पास है और मेरा एक सीन खो गया है, शायद उसकी तलाश में मैं आया हूँ घर में, शायद मुझे मिल जाए, देखते हैं। पर वही है, जो भी होगा तबाही मचाने वाला है और कुछ नहीं। ओके थैंक ठीक है, थैंक यू सो यू, मच सर, थैंक थैंक्स। यू। रेडी रहो, रहो। ओके मैम, तो कप्पू आपकी बन गया, बड़ी फनी तरीके से आप अपना शौक जो है वो जता रही थी। हाँ एक्चुअली मेरी कप्पू चली गई है, ऊपर चली गई, और हमको पता भी नहीं था। हम बेवकूफ़ यही समझते थे कि जो कप्पू हमारे घर में आती थी वो कप्पू ही है। बीच में हमको ऐसा लगा था कि वो गायब हो गई या कोई कांड करके भाग गई, बट आज जब वो नहीं आई तो मुझे ऐसा लगा कि पोटलियाँ मैं उसकी गुफा से उठा लूँ। और उन पोटलियों को जो ढूंढते ढूंढते पता चला कि एक वाचिता भी लगी है, तो पल भर के लिए मुझे को यही लगा था कि कप्पू मर गई, मतलब कप्पू गायब हो गई है या कोई कांड करके भाग गई। तो मैं उसकी गुफा में चली गई पोटलियाँ उठाने, वहाँ देखा कि एक चीता भी लगी है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ नई बिजनेस, साइड बिजनेस शुरू कर ले पैसे बनाने के लिए। मुझे चीता भी अपने गुफा में जला लेती है। ढूंढते ढूंढते जब गई तो मुंह खोला तो कप्पू लेटी हुई है। तो आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक, यामिनी बहुत शॉक हो गई। बट एज सुधा चंद्र जब मैं सीन कर रही थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इट वॉज एक्चुअली गम में नहीं, हम लोग ज़्यादा हंस रहे थे। बिकॉज वहाँ गई तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो लेटी हुई थी चीता पे, तो एक वो सांस ले रही थी, तो ऊपर से वो सारे लॉग ऑफ वुड्स थे, तो मतलब ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा फनी सा लग रहा था। तो मैं उसको बार बार बोलती रही, अरे बंद कर यार, मत सांस ले। बोलते तो अरे कब तक मैं करूँ यार, तेरे इतने लंबे लंबे लाइने, तो इतना फुटेज लेती है, तब तक तो मैं ऊपर ही चली जाऊँ। एंड जब मैं उसके पास गई तो अपने सांस रोकने के चक्कर में, तो मैंने जैसे मैंने उसका मुंह खोला तो इशू, मतलब मैंने कहा कोई मुर्दा ऐसे थोड़ी ना मरता है यार, तो मैं खुशी खुशी मर गई यार, तो मेरा शक्ल ऐसे ही है तो ऐसे ही करूंगी। सो मच ऑफ इंसिडेंट्स, सो मच ऑफ फन, बट फन असाइड कपालिका को मैं बहुत मिस करूंगी, बिकॉज मेरी पहचान यहीं पर हुई थी। इट वॉज फन, आई मीन शी इज रियल फन टू वर्क विथ। जब आप बहुत ही इंटेंस सीन करते हो, सडनली लुक एट हर एंड शी इज अप टू हर प्रैंक्स। और जब भी मैं, मतलब मेरी लाइनें काफ़ी लंबी लंबी होती है, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती है, तो बीच में जब भी मैं गैप लेती हूँ अपना एक्सप्रेशन भरने के लिए, तो पीछे से एक आवाज़ आएगी सो वो एक जो फीडबैक आता है, तो आप हंस भी नहीं सकते बिकॉज वन शॉट है। तो उसके बाद मैं बोलूँगी अरे यार तू तो कर क्या रही थी, तो ऐसे ही यार टाइम पास कर रही थी, देख रही थी कि तेरा कॉन्सेंट्रेशन सही है कि नहीं। सो दैट वे इट वॉज रियल फन, आई विल मिस हर फॉर श्योर। तो लेकिन बहुत मजाक मस्ती आपका भी थोड़ा कैरेक्टर जो है थोड़ा सा फनी सा ही हो गया है, तो करने के टाइम में मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी अपसेट हो गई हैं, आप हंसी जा रही थी बड़ी अलग तरीके से, कप्पू 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 करते हैं। यस बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अंतर नागिन वन और नागिन टू में यामिनी का कैरेक्टर यही है कि पहले मैंने बहुत ही नेगेटिव किया था, वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, और एक थोड़ा सा कॉमेडी फ्लेवर हमने सीजन वन में पकड़ लिया था, उसी को हमने बेस बना लिया। सी दैट इज व्हेन पीपल यू स्ट्राइक आउट एज अ कैरेक्टर, यू लुकिंग समथिंग डिफरेंट। वरना टेलीविजन में यही है कि लोगों को ये लगता है कि आप बहुत रेपिटेटिव हो। आई एम हैप्पी बिकॉज जहाँ पर भी मैं जाती हूँ आई ट्रैवल अ लॉट, तो जब लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बीट अ लोकल बीट अ हाई क्लास ऑफिशियल, कहीं ना कहीं वो इस कैरेक्टर से पता नहीं कैसे जुड़ने लगे हैं, बच्चे जुड़ने लगे हैं। आई हैड गॉन टू नागपुर फॉर अ फंक्शन, तो वहाँ लोग मतलब वी हैड अ क्राउड ऑफ 40,000, पर एक आवाज़ में वही थी कि आप सुधा जी यामिनी के सारे डायलॉग बोलो। जैसे मैंने अरे ओ काली नागिन मैंने बोला, तो इट वॉज लाइक अरे ओ सांबा, सो वो एक इम्पैक्ट आ गया है, पीपल आर लविंग इट। लाइनें बोलते वक्त कभी मुझे ऐसा लगा था, मतलब पहले दो दिन मुझे ऐसा लगता था, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जो डायलॉग राइटर्स हैं उनको पता है कि क्या फ्लेवर देना है, सो आई हैव अ क्वेश्चन, जो लिख कर आता है वो सारी लाइनें मैं बोल देती हूँ। एंड आई पर्सनली फील कि अगर आप बहुत कन्विंसिंगली उस चीज़ को करते हो तो बहुत कन्विंसिंगली आप ऑडियंस तक कन्वे कर सकते हो, और इस अटेम्प्ट में मैं काफ़ी सक्सेसफुल रही हूँ। सो इट वॉज फन एंड बट शूटिंग विद कपालिका टुडे वॉज रियल फन, मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, आई वॉज बिजी लाफिंग गिगलिंग,
और शॉर्ट के बाद तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो अब कहीं ना कहीं डर और बढ़ गया है कि धीरे धीरे एक एक मोहरा खत्म होते जा रहा है, अब आप काली नागिन और मक्खी ही बच्ची। हम लोग हमारी तो फटी हुई है अभी एक्चुअली, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये भी गई तो अब ये भी गई तो अब नेक्स्ट कौन। तो वी आर ऑलवेज अ लिस्ट ऑफ यू नो 8 कातिल है, 6 कातिल है, तो 6 से 2 गए। और एक अंदर ही अंदर एक खुशी की बात ये भी थी कि चलो नागमणी का एक पार्टनर तो चला गया, तो जितने कम हो रहे वो एक साइड से वो ट्रैक अलग चल रहा है यामिनी के दिल में, बिकॉज समहाउ शी फील्स कि नागमणी बिलोंग्स टू हर एंड इट हैज टू कम टू ओनली हर। तो जिन जिन को टोपी बना सकते सबको टोपी बना रही है वो। सो नागिन 2 में यामिनी का काम यही है कि इसकी टोपी उसके सर यही खेल रही है। सो दिस गेम प्लान हैज वर्क्ड फॉर हर सो फार। कहां तक सक्सेसफुल रहेगी यामिनी इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। ओके लास्टली मैम, एक महिषासुर की भी एंट्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो यामिनी का प्लान तो नहीं कि उसे लाया जाए और जो काली नागिन और मक्खी है उसे भगाया जाए। मैं वही बोलती हूँ ना, जब अब जैसे ये भैंसा भी घर के अंदर आ गया, तो एक लाइन में मैंने वही बोला है कि मैंने तो पूरा डिस्कवरी चैनल घर के अंदर खोल के रखा है, जितने जंतु है सब, जितने जानवर है सब मेरे घर में आके बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यामिनी का घर घर नहीं है, एक मतलब जैसे गौशाला नहीं है, जानवरों का गौशाला हो गया। जब सर हर कोई अपना हर जानवर अपना मुंह उठा के मेरे घर में आके बैठ जाता है, और इन और पहले हम बोलते थे कि जानवरों के साथ रहना अपने आप में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, पर मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि ये सारे मेरे साथी मतलब इन्हीं के साथ मैं कोई जंगलों में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, और ये सब मेरे कंपेनियंस रहे हैं। काली नागिन को अपने साथ लेके घूमती हूँ, मक्खी को अपने दाएं हाथ में लेके घूमती हूँ, अब एक भैंसा आ गया उसके साथ भी मैं घूम रही हूँ। सो इट्स रियली फन, बिकॉज अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखो तो ये सब कुछ हो नहीं सकता, बट नागिन में सब कुछ हो सकता है, और हम इतने कन्विंसिंगली करते हैं कि ऑडियंस बड़े कन्विंस हो गए। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।